सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं बीस्ट बॉय सूप के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, कुछ दिन पहले जो है बीस्ट बॉय सूप का जो है यूट्यूब चैनल हैक हो गया था एंड 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनको जो है उनका चैनल वापस मिल गया था। एंड आप सबको पता होगा, जब बीस्ट बॉय सूप का चैनल हैक हो गया था तब वो जो हैकर है उसने जो है लाइव स्ट्रीम किया था बीस्ट बॉय सूप के यूट्यूब चैनल पर, वही बेसिकली बिटकॉइन वाला लाइव स्ट्रीम, जिसके वजह से बीस्ट बॉय सूप को जो है यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया है। एंड वो जो स्ट्राइक है वो बेसिकली यूट्यूब के तरफ से दिया गया है, जो कि है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हां, उसी के बारे में बताते हुए बीस्ट बॉय सूप एक ट्वीट किए थे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पर वो बताया कि उनको जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ा, जिसके वजह से वो अगले 7 दिन तक कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाएंगे। एंड इसके रिगार्डिंग बीस्ट बॉय सूप यूट्यूब से बात कर रहे, हो सकता है पहले ही फिक्स हो जाए ये प्रॉब्लम। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, एमसी स्टैन के बारे में। अगर आप हिप हॉप को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो तो आपको एमसी स्टैन के बारे में पता होगा, ये बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर रैपर है। तो वो कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, शायद आज के बाद मेरे गाने नहीं आएंगे। अब पता नहीं एमसी स्टैन ने ये क्यों लिखा है, उनको क्या हुआ है, उसके बारे में मुझे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला। जितने भी रैपर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, वो लोग भी जो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट अगर मुझे मिलता है तो आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते चुके हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो रिसेंटली आशीष चंचलानी क्रॉस कर दिया अमित भड़ाना इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। जी हां गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसी के साथ आशीष चंचलानी बन गए हैं सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल यूट्यूबर इन इंडिया। जी हां, इसी के रिगार्डिंग उनके फ्रेंड कुणाल छबरिया एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाले थे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ऑल्सो गाइस, आशीष चंचलानी बन गए हैं फोर्थ मोस्ट सब्सक्राइब्ड एशियन यूट्यूबर। जहां टॉप एशियन यूट्यूबर की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर है कैरेमिनाटी, दूसरे नंबर पर है एटा हलिलिंटर, तीसरे नंबर पर है रिसिस ऑफिशियल एंड फोर्थ नंबर पर जो है आशीष चंचलानी है। तो इसी के रिगार्डिंग उनको कांग्रेचुलेट करते हुए एक बंदा ट्वीट किया था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, एंड उस ट्वीट को जो है आशीष चंचलानी भी लाइक किया है। और जो उनके जो फ्रेंड है अनमोल सचार, वो भी एक स्टोरी डाले थे अपने इंस्टाग्राम पर इसी के रिगार्डिंग। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू आशीष चंचलानी। और यहां पर एक और न्यूज है आशीष चंचलानी से रिलेटेड, तो वो आज अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किए थे, जहां पर वो लिखे, सबसे नीच हरकत तो मुझे ये लगती है कि लोग कैसे किसी का कॉन्टेंट चुरा के बिना क्रेडिट दिए अपने सड़ा हुआ वाटरमार्क लगा देते हैं। तो ये ट्वीट देखकर लग रहा है कि शायद उनके साथ फिर से वही वाला प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बारे में वो कुछ दिन पहले बताए थे कि लोग जो है उनके कंटेंट को कॉपी करते हैं, मतलब लोग जो है आशीष चंचलानी के वीडियोस को यूज करते हैं उनके फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर एंड उनको क्रेडिट ही नहीं देते। एंड इसके रिगार्डिंग वो कुछ स्टोरीज भी पोस्ट किए थे कुछ दिन पहले, जहां पर वो बताए थे कि अगर आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखे तो उसमें जो है स्पैम कर दो ये बोल के कि आशीष चंचलानी को क्रेडिट दो। सो यस, मैं भी यही बोलूंगा कि सिर्फ आशीष चंचलानी के वीडियोस नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स के वीडियोस आप देखते हो दूसरों के इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज पर बिना यूट्यूबर्स को क्रेडिट दिए, तो वहां पर स्पैम कर दो कि यूट्यूबर्स को क्रेडिट दो बोल के। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते चुके बकलोल वीडियो के बारे में। तो बकलोल वीडियो कल अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, जहां पर वो लिखे, आई वेंट फॉर शॉपिंग और जब वापस आया तो कार में रखा बैग गायब था और ये हाल था कार का। आप देख सकते हो किसी ने बकलोल वीडियो के कार के शीशे को तोड़ के जो है वहां में रखा गया बैग को चोरी किया है। फिर वो लिखे, आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ताकि आप लोग भी ध्यान रखो और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। सो यस गाइस, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते चुके पबजी बैन से रिलेटेड। तो क्या पबजी अनबैन हो सकता है इंडिया में अगले साल तक, क्योंकि इस तरीके के कुछ हिंट्स मिल रहे हैं अभी। क्योंकि रिसेंटली 8bit थग एंड स्काउट अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जहां पर वो लिखे, पबजी कॉर्पोरेशन पोस्टेड अ जॉब ओपनिंग ऑन लिंक्डइन, कुड दिस मीन पबजी माइट बी बैक अराउंड नेक्स्ट ईयर। एंड देख सकते हो लिंक्डइन के वेबसाइट पर जो है पबजी कॉर्पोरेशन ने जॉब ओपनिंग का एक पोस्ट किया है। एंड इंडिया में तो पबजी बैन है, आप सबको पता ही है, तो बहुत सारे लोग इसको हिंट के तौर से ले रहे हैं कि पबजी हो सकता है कि अगले साल तक अनबैन हो जाए। एंड और भी मैं ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहां पर लिखा गया था कि दिसंबर या फिर जनवरी तक जो है पबजी वापस आ जाएगा। अब ऑफिशियली तो पबजी कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट अगर मुझे मिलता है तो आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते चुके हैं आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी कल अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे एंड ऑल्सो आज वो अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, जहां पर वो बताया कि शायद उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट कल हैक हो गया था। जी हां, तो आप भी देखिए आमिर सिद्दीकी क्या कर। वालेकुम एवरीबॉडी, फाइनली मेरे को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया एंड आई डोंट नो क्या सुबह से प्रॉब्लम चल रहा था कल रात से, बट फाइनली एंड बस और क्या बोलूँ, क्योंकि आई नेवर हैड माई अकाउंट सुबह से एंड गाना आ गया 12 बजे से, अभी तक मैंने कुछ शेयर नहीं किया और जस्ट इंस्टाग्राम टीम से बात हुआ और आई गॉट माई अकाउंट बैक। क्योंकि कल का दिन बहुत बेकार था, मैं टायर्ड था, मेरा अकाउंट हैक हो गया, क्या हो गया पता नहीं, इंस्टाग्राम की टीम की वजह से मेरा अकाउंट आया, थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम। और किस्मत कल का दिन वॉज वेरी बैड, समझ में नहीं आया क्या हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि स्टार्ट के जो 6 घंटे होते हैं ना तभी स्टोरीज और ये सब डालते हैं ना जिनका गाना रहता है, तो गाने को एक पुश मिलता है, एक हाइप रहती है गाने की, बट वही टाइम मेरे से छीन लिया।
एंड यस ऑल्सो आमिर सिद्दीकी का न्यू सॉन्ग सॉरी आ चुका है जी म्यूजिक कंपनी के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप लोगों को आमिर सिद्दीकी का म्यूजिक वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते चुके योर इंडियन कंज्यूमर या फिर आप कह सकते हो यूआईसी व्लॉग्स के बारे में। तो वो एक ट्वीट किए थे कल जहां पर वो लिखे आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू अर्न माई लिविंग बाय होल्डिंग ए डीएसएलआर ऑन वन हैंड व्हाइल ड्राइविंग माई कार एनीमोर। ओ सॉरी आई हैव नेवर डन सच स्टूपिड थिंग्स हैशटैग व्लॉग्स सी। तो यूआईसी व्लॉग्स यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं आप सबको पता होगा अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है। तो अगर नहीं देखा तो बता देता हूँ यूआईसी व्लॉग्स बेसिकली मुंबई कर निखिल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कल थंडर ऑन रोड एक ट्वीट किए थे जहां पर वो दिखाए थे कि मुंबई कर निखिल जो है अपना कार चला रहे थे जहां पर वो एक हाथ से डीएसएलआर पकड़े थे एंड दूसरे हाथ से वो लाइट स्विच पकड़े थे। तो उसके बारे में यहां पर बेसिकली यूआईसी व्लॉग्स बताए इस ट्वीट के थ्रू। सो यस यार आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो है समर्थ सिंह के बारे में। तो समर्थ कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे जिसका टाइटल था वाईपीएम एक्सपोज्ड विद प्रूफ सॉन्ग कॉपीड फ्रॉम अदर रैपर। तो अगर आप वाईपीएम को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले वाईपीएम एक सॉन्ग अपलोड किया था अपने चैनल पर जिसका टाइटल था गेम चेंजर। तो इस वीडियो में समर्थ बताया कि वाईपीएम ने जो है सैफ खान का 3 महीना पुराना गाना जिसका टाइटल था कोड 36 उस सॉन्ग को कॉपी किया है। जी हां कोड 36 बेसिकली एक बांग्ला सॉन्ग है, तो उसको वाईपीएम ने कॉपी किया ऐसा यहां पर समर्थ सिंह बताया अपने वीडियो में। एंड अगर आप सुनोगे तो म्यूजिक वगैरह काफी सिमिलर लग रहा था। एंड ऑल्सो समर्थ बताया कि वाईपीएम ने जो है उसको क्रेडिट भी नहीं दिया। सो यस अगर आपको समर्थ का पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। ऑल्सो इस सॉन्ग का जो है वाईपीएम ने एड्स भी चलाया था यूट्यूब पर जिसका टाइटल आप देख सकते हो क्या है इंडियास रिचेस्ट किड न्यू रैप सॉन्ग। तो आप लोग क्या सोचते हो इस एड के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि है एल्विश यादव लक्ष्य चौधरी एंड सम्राट भाई के बारे में। तो इन तीनों का जो है हमें बहुत जल्द शायद एक कोलैबोरेशन वीडियो देखने को मिले जैसे क्योंकि इसी के रिगार्डिंग कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे लक्ष्य चौधरी एंड सम्राट भाई अपने इंस्टाग्राम पर। तो आप भी देखिए उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज। अब ठीक होगी एकदम, सब ऐसे करते हैं ना प्रिटेंड कि नहीं हम इधर नहीं देख रहे थे, सबका ध्यान जब की स्टोरी पे ही है। हां क्या हुआ शुरू करो तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि सुमित गोस्वामी के बारे में। तो सुमित गोस्वामी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा अमन बैसला के केस के बाद, तो आप सुमित गोस्वामी को जानते ही होंगे। ही इज बेसिकली हरियाणवी सिंगर। कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा अमन बैसला ने जो है सुसाइड किया था एंड उन्होंने जो है कुछ एलिगेशन लगाए थे सुमित गोस्वामी एंड नेहा जिंदल के ऊपर, ये बोलते हुए कि सुमित गोस्वामी एंड नेहा जिंदल ने जो उनको ब्लैकमेल किया है, मतलब कि सुमित गोस्वामी एंड नेहा जिंदल ने मिलकर जो है अमन बैसला से 10 लाख रुपए लिए थे। जब अमन बैसला ने वो पैसे मांगे तब उन्होंने जो है ब्लैकमेल किया, रेप के केस में फंसा दूंगा ये वो, मतलब इस टाइप के ब्लैक। तो उसके बाद जो है अमन बैसला ने सुसाइड कर लिया एंड उसके बाद जो है पुलिस ने नेहा जिंदल एंड सुमित गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया था। तो अब हुआ है कि सुमित गोस्वामी कल अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए, मतलब वो अपना न्यू सॉन्ग का अनाउंसमेंट किए। आप देख सकते हो पोस्टर, उनका न्यू सॉन्ग का टाइटल होगा राज एंड नीचे कैप्शन में वो लिखे सुमित गोस्वामी एंड इंदीप बख्शीश राज मोशन पोस्टर आउट नाउ कीप सपोर्टिंग एंड वेट फॉर द ट्रूथ जय भोलेनाथ। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अमन बैसला ने जो है वेट फॉर द ट्रूथ लिखा है, सो लेट्स सी सुमित गोस्वामी के सॉन्ग में क्या होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही न्यूज़। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।